अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा पास्ता स्टिक्स और जस्ट 5 मिनट्स में ये बन जाती है बॉईल किए हुए पास्ते से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली हूँ एक पैन और उसको गर्म करने के लिए रख दी हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। 1 चम्मच भर के हम इसमें ऑयल डालेंगे और उसे गर्म करेंगे। और अब जो जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैं आपको बताते चलूँगी। सबसे पहले पास्ता को बॉईल करके साइड में रख लीजिए, उसे ठंडे पानी से वॉश करके, ताकि वो चिपचिपापन ना रहे उसमें। और अब हम हमारे इंग्रेडिएंट्स डालना इसमें शुरू करते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो जाए, फिर मैं इसमें 1-1 चम्मच जो जो इंग्रेडिएंट्स डालूँगी वो बताते चलूँगी। और अगर आपकी एक्सप्लेनेशन ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इंग्रेडिएंट्स दे दूँगी। तो अब तेल सही से गर्म हो रहा है और इसके अंदर में सबसे पहले मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच भर के शेजवान चटनी। घर में बनी हुई हो तो आप घर में बनी हुई रहे, मेरे पास घर में बनी हुई नहीं थी तो मैंने जो रेडीमेड मार्केट में मिलती है वो ली हूँ 1 चम्मच भर के। और इसको धीमी आंच कर देंगे ताकि ये फास्ट आंच पे जो है तेल लगने से ज़्यादा उठे ना, तो हम इसको धीमी आंच पर पकाना शुरू करेंगे। अब मैंने 1 चम्मच शेजवान चटनी डाली और उसी चम्मच के नाप से मैंने 1 चम्मच इसमें कैचअप डाली, जो नॉर्मल सॉस होता है जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं कुछ भी चीज़ खाने के लिए, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, वो वाला सॉस है। स्वीट चिल्ली सॉस वगैरह नहीं है, नॉर्मली कैचअप है ये। अब ये दोनों को मिक्स करेंगे और इसे पकने देंगे, धीमी आंच पे पकाए ताकि ये साइड में चिपकना ना शुरू हो जाए और पूरी तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। अब इसमें मैं एक चम्मच भर के डाल रही हूँ चिल्ली सॉस। तो ये जो लग गया था ना उसके अंदर ही चम्मच में, तो वो मैंने हटा के बराबर से 1 चम्मच चिल्ली सॉस डाली। क्वांटिटी सबकी बराबर है, चिल्ली सॉस जो है वो थोड़ा कम थिक होता है और शेजवान चटनी ज़्यादा थिक होती है, इसलिए वो ज़्यादा दिक कराती है। लेकिन चिली सॉस की भी क्वांटिटी सेम है, कैचअप की भी क्वांटिटी सेम है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिंग्स का जो नूडल का मसाला आता है ना, जो चाइनीज़ नूडल का मसाला आता है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, वो मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच भर के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डालिए, क्योंकि इसमें स्पाइस मिक्स होते हैं तो इसमें नमक कम ज़्यादा भी होता है, और जितना आपको टेस्ट चाहिए उस हिसाब से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने करीब 1 चम्मच ही डाली हूँ, ना ज़्यादा तीखापन है और ना ज़्यादा खट्टापन है, क्योंकि वो चाइनीज़ फ्लेवर देता है मसाला। तो अब इसको पकने देते, देखिए किसी तरीके से एकदम अच्छे से थिक थिक दिख रही है ये। तो अब इसमें मैंने हल्का सा सॉल्ट डाली हूँ, जस्ट फॉर के इसकी कमी ना लगे, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ों में ये सॉल्ट रहता है। जैसे कि जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने डाली सब में थोड़ा बहुत तो सॉल्ट रहता ही है। अब वही चम्मच का नाप लेकर मैंने 1 चम्मच इसमें डाली हूँ मेयोनेज, जो कि मेरी एगलेस मेयोनेज है। आप जो मेयोनेज यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये एगलेस मेयोनेज डाली हूँ जो थोड़ी सी स्वीट है टेस्ट में, ताकि इसमें स्वीट एंड सार टेस्ट आ जाए, तो मैंने इसमें ये भी डाल दी। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और ये सारा प्रोसीजर जो है ना वो हम लोग स्लो आँच पर ही कर रहे हैं। या तो मीडियम फ्लेम कीजिए और उस पर इसको पकाइए, ठीक है। अब ये पक रहा है और वो पक गया था तो मैंने उसको निकाल के साइड पर रख दी। और अब मेरे पास है ये कुछ वेजिटेबल्स और ये पास्ता है जो मैंने बॉईल करके रख ली थी, तो वो पास्ता मैंने ले ली हूँ। और साथ में मैंने ली हूँ शिमला मिर्ची जिसको मैंने बॉक्स शेप में काटी हूँ, और ये है मेरे पास गाजर। आपके पास जो चीज़ है, आप चाहे तो इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो इसमें ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, या फिर इसमें आपको जो वेजिटेबल पसंद है आप वो कर ले सकते हैं। साथ में मैंने ली हूँ ये कुछ स्टिक्स जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है और अक्सर लोग आजकल इसको घर में यूज़ करते ही हैं, तो अगर आपके पास है तो आप इसको 5 मिनट में बना के खा सकते हैं। अब इसके अंदर मैं अपने जो पेन्ने पास्ता होते हैं ना, आप चाहे तो मैक्रोनी भी लगा सकते हैं, बट पेन्ने पास्ता इजी पड़ता है और काफ़ी अच्छा बनता है इससे। अब इसमें मैंने ये लगाना स्टार्ट कर दी और इसको स्टिक के अंदर डालते डालते मैंने इसमें वेजिटेबल्स भी जो है वो भी ऐड करना स्टार्ट कर दी। वेजिटेबल्स को मैंने ना कुछ सेकी हूँ ना कुछ, जो जैसे कटे हुए थे वॉश करके वैसे इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। अब इसको अच्छे से सेट करते करते हम लोग इसको पकाना शुरू करेंगे। सिर्फ पास्ता जो है वो बॉयल है,
इसमें चिकन भी ऐड करेंगे तो अच्छा टेस्ट आता है। बस जो मेरे पास उस वक्त अवेलेबल था वो ये, जिन लोगों को बहुत भूख लगी है, कुछ है नहीं है घर में, तो किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट करके कुछ चटपटा सा अच्छा खाना बन जाए, तो इसके लिए ये स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा है। ये झटपट बना के आप खा सकते हैं। और आप बताना ये किस तरीके से आपको लगा खाने में, कैसे टेस्ट लगा, और मुझे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। अब वही पैन जो मैंने यूज़ करके रखी थी, जो मसाला जिसमें से हमने निकाल के साइड में रख लिया है, उसी में मैं हल्का सा ऑयल डाल रही हूँ। कुछ नहीं करना है इसको, वॉश कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसी पैन में डालो, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग मसाला ही ऐड करने वाले हैं। जस्ट हल्का तेल डालना है, ज़्यादा नहीं, जितने में हमारी स्टिक्स जो है पक जाए, और उसको हम लोग फास्ट फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, तो इसमें थोड़ा ग्रिल वाला टेस्ट आ जाएगा। अगर आपके पास अवन है तो बेस्ट है, उसमें भी आप लोग इसको ग्रिल कर सकते हो। बस उसमें यह होगा कि इसमें हम लोग मसाला ऊपर से लगा के डालते डालते जब मसाला डालेंगे, वैसे इसको जैसे घुमाएंगे फिर मसाला डालेंगे। आपको एक ही साथ में इसको डिप करना है मसाले में और अवन में रख देना है डिश में डाल के। अब इसके ऊपर मैं मसाला लगा रही हूँ और इसको सेकने के लिए रख रही हूँ। अभी जिस तरीके से ग्रिल होगा हल्का सा ये फ्राई हो जाए, फिर मैं इसको दूसरी साइड पे कर दूंगी। एकदम भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नॉर्मली सा इसमें थोड़ा सा फ्राई वाला पन्ना जैसे शिमला मिर्ची में आ जाए, गाजर सेक ली जाए तो। अब इसको मैंने पलट के इसके ऊपर मैं सॉस लगा रही हूँ, ताकि दोनों साइड इक्वल साइज जो है वो लग जाए सॉस, कोई भी साइड खाली ना रहे। और जो मेरे पास सॉस बची थी मैंने ये पूरी डाल दी। मैंने 3 स्टिक्स बनाई थी, जितना मुझे भूख लगी थी मैंने अपने लिए बनाई थी तो इतना ही बनाई थी। आपको जितनी चाहिए उतनी बनाई है, उतनी क्वांटिटी में बनाई है, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से सॉस भी बनाई थी। आप उसी क्वांटिटी के हिसाब से अपना सॉस भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जस्ट अब मैंने फास्ट फ्लेम करी हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। और अब मैं इसको चीज़ डालने के टाइम इसको चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो मोज़रेला यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस चीज़ यूज़ कर सकते हैं, अमूल की या कोई भी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आपके पास चीज़ नहीं भी है घर में, क्योंकि ये तो हम ऐसी जो भूख लगी है हमने और बनाने शुरू कर दिया, बस ये वैसे वाला काम है, तो जो है उससे ये बन जाएगा। और ये टेस्ट की मैं गारंटी लेती हूँ, ये टेस्ट में बहुत अच्छा रहता है। तो जो मोज़रेला है तो मोज़रेला डालो, नॉर्मल चीज़ है तो डालो, क्योंकि मुझे तो चीज़ बहुत पसंद है, तो मैंने चीज़ ऐड कर दी। और फ्लेम को जो है स्लो कर देंगे, हल्का सा ऑरिगैनो स्प्रिंग करेंगे और इसको थोड़ी देर धीमे आंच पर पकने देंगे ढक्कन ढक कर, तो ये मेल्ट हो जाएगी चीज़, तो इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको जब 2 मिनट से भी कम मैंने इसको पकाई थी, ज़्यादा देर नहीं पकाता, क्योंकि ये सॉस जो है वो 2 मिनट में पक जाता है, ये सब फटाफट वाला काम है, ज़्यादा मुश्किल से 5 से 6 मिनट्स लगे होंगे बॉयल पास्ता में। बॉयल किए हुए पास्ते के साथ मैं आपको टाइम बता रही हूँ, बॉयल करने वाला जो टाइम है वो अलग है। अब ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये, इसके पूरा जो मसाला है ना वो पूरा लग चुका है इसके अंदर। तो मेरे आप बताइए, बनाइए और बताइए मुझे कैसा लगा। टू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।